ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 14। ओके, तो उसी के आगे जहाँ से हमने लीव किया था कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 14। तो सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो थ्योरम नंबर 1 हमने पढ़ लिया था, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हेडिंग डालते हैं, जब दो वृत्त संकेंद्री हों, जब दो वृत्त संकेंद्रीय हों। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये एक हेडिंग है, दिस इज द प्रोटोटाइप ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के प्रोटोटाइप पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, व्हेन टू सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक, ओके, इसका मतलब क्या हो गया, जब दो सर्कल संकेंद्री हो। ओके, संकेंद्री का मतलब अगर मैं समझाऊं तो उसको ये कह सकते हैं कि ऐसे सर्कल्स, ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, उसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल, एक सर्कल मैंने ये बना लिया, ओके, और दूसरा सर्किल अगर मैं ये बना लूं, ठीक है, ओके, ठीक है, तो एक सर्किल ये हो गया और इसके ऊपर एक सर्किल और मैं बना ले रहा हूँ। ठीक है, ए मान लीजिए ये हो गया, ओके, ये ओके। अब देखिएगा, इन दो सर्कल्स की खास बात क्या है कि अगर इसका सेंटर पहले वाले छोटे वाले सर्कल्स का अगर मैं देखूं, जो रेड कलर है, उसका सेंटर अगर ओ है, दैट मीन्स इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, आर वन मान लिया, और इसी सेंटर को यूज करके मैंने एक रेडियस आर टू लेके एक सर्किल बना दिया, अगर दोनों का सेंटर ये ओ ही है, तो ये दोनों सर्कल्स क्या कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, टू सर्कल्स आर कॉल्ड, टू सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक इफ एंड ओनली इफ दी दी सेंटर ऑफ बोथ दी सर्कल्स आर सेम। ओके, जब भी, यानी कि अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जब दो वृत्त की जब दो वृत्त के केंद्र केंद्र एक ही हो तो ऐसे वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ओके, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, वो मुझे देखना है, यानी कि जब दो वृत्त कॉन्सेंट्रिक हो तो उस केस में कैसे क्वेश्चंस बनता है, जो पिछला थ्योरम नंबर 1 हमने पढ़ा था कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर हम लोग कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। उसी उसी थ्योरी को यहाँ पे एक दूसरे तरीके से, जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये समझने का प्रयास किया कि अगर कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोल दिया गया, दैट मीन्स उनके सेंटर्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, वहाँ से सर्किल को ड्रॉ किया जाएगा। ओके, क्वेश्चंस लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस इस पे आते हैं। आई होप क्लियर होगा कि किस तरीके से कॉन्सेंट्रिक को बोला जाता है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। जब दो संकेंद्रीय, ओके, आई होप क्लियर होगा, संकेंद्रीय का मतलब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक यानी कि एक ही सेंटर हो उनका, वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। ओके, यदि बड़े वृत्त की जीवा
यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो, स्पर्श रेखा हो, तो उस जीवा की लंबाई बताइए, तो उस जीवा की लंबाई बताइए। ओके, लंबाई बताइए। बिल्कुल आसान होता है, केवल थ्योरम आपको याद होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, या जीवा किसे कहते हैं, जीवा को कहाँ बनाना है। ठीक है, ज्योमेट्री की ये ब्यूटी होती है कि अगर आपको बनाने आ गया, दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन अच्छे से आपने कर लिया, तो 70% तो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो जैसे कह रहा है वैसे मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं दो सर्किल बना ले रहा हूँ। ठीक है, और इन सर्कल्स की खास बात क्या है, ये कॉन्सेंट्रिक है। क्या है? कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है, बना लिए ये। ठीक है, देखिए ये दोनों कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक है, दिख रहा है। इसका सेंटर हमने क्या मान लिया, ये मान लिया। ठीक है, अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या बोलता है, जब दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ओके, दैट मीन्स कि ये पहले छोटे वाले की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाले की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कॉन्सेंट्रिक है, दैट मीन्स इसका सेंटर कॉमन होगा ओ। ओके, जैसे जैसे कह रहा है बस वैसे करिए। ओके, देखिए, यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो, दैट मीन्स स्पर्श रेखा, इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है, आप पुराने वीडियोस में देखेंगे, तो स्पर्श रेखा किसी सर्किल की वो होती है, किसी सर्किल की स्पर्श रेखा की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाता है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, दैट मीन्स टेंजेंट लाइन। ओके, तो जैसे अगर ये लाइन अगर पी क्यू हम मान ले, तो एम सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये मत सोचिएगा इतने ढेर सारे पॉइंट्स को टच कर रहा है, ओनली वन पॉइंट शुड बी टच। ओके, तो एक पॉइंट को अगर ये टच कर रहा है तो पी क्यू जो है एम पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट होगा। अब छोटे सर्किल पे क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे एक स्पर्श रेखा मैं इस तरीके से खींच सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ऐसे खींच दिया, ये स्पर्श रेखा हो गई किसके, छोटे वाले सर्किल के लिए। अब सवाल सवाल समझिएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे ये स्पर्श रेखा हो गई। ओके, यदि बड़े वृत्त की जीवा, अब देखिए ये छोटे सर्किल के लिए क्या है, स्पर्श रेखा, लेकिन बड़े वृत्त के लिए किसकी काम कर रही है, जीवा की काम कर रही है कि नहीं, बड़े वृत्त के केस में ये एक कॉर्ड का काम कर रहा है, ए बी एज ए कॉर्ड, लेकिन छोटे पे ये क्या है, स्पर्श रेखा, यानी जैसा वो कह रहा है हमने सिचुएशंस को वैसा बनाने का प्रयास किया। ओके, बन गया। ठीक है, तो जीवा की लंबाई बताइए, ये ए बी मुझे चाहिए। अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट है ए बी, ए बी हमको चाहिए, यानी कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, दैट मीन्स जीवा की लंबाई जो कि बड़े वृत्त के रेफरेंस में है, ए बी मुझे चाहिए। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थियरम्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था, थियरम्स पढ़ा था। वो थियरम ये था कि किसी भी कॉर्ड पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, तो कॉर्ड को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। दैट मीन्स कि अगर ये पॉइंट में पी मान लो, ये पॉइंट में पी मान लो, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ए पी इक्वल टू पी बी। ठीक है, क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक केस बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिचुएशंस ये आपको बनाना पड़ेगा, ये खुद से आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, अगर इसकी मैं बात करूँ, ये पॉइंट की, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट, ठीक है, अगर ये सेंटर है, ये पॉइंट ओ है, ये ए है, तो ये लेंथ कितनी है, बड़े वाले सर्किल की क्या है, रेडियस, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर, और ये छोटे वाले सर्किल की रेडियस है, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर। तो ए पी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ किस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रैंगल ए ओ पी, कैसा ट्रैंगल है, ये राइट एंगल ट्रैंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बात करूं, कर्ण इक्वल टू एओ इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए पी इक्वल टू कितना, पता नहीं,
ठीक है, क्वेश्चन मार्क। लंब इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब इक्वल टू ओपी इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। एकदम बेसिक से, कुछ भी इसमें डिफिकल्टीज नहीं है। कर्ण को मैंने रख दिया 5 का स्क्वायर, लंब मैंने रख दिया 3 का स्क्वायर, आधार मुझे नहीं पता है तो मैंने क्या मान लिया x सेंटीमीटर मान लिया। ओके, तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, x मुझे निकालना है तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, वेरिएबल्स को एक साइड और कॉन्स्टेंट को एक साइड, इसके बाद ही मैं अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो वहां पे इसको बखूबी बेसिक से बताऊंगा क्या करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट को एक साइड कर लिया और वेरिएबल्स को एक साइड, दैट मींस यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट मींस कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 16, दैट मींस 4 सेंटीमीटर। एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ओके, तो आइए यहां पे देखते हैं x की वैल्यू कितना आ गई 4 सेंटीमीटर, दैट मींस कि AP इक्वल टू PB इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर अब यहां से मैं लेंथ ऑफ AB की बात करूं, ठीक है, लेंथ ऑफ AB कॉर्ड यानी कि जीवा AB की लंबाई, AB की लंबाई क्या हो जाएगी, AB की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से मैं क्या लिख दूंगा AP इंटू PB, AP प्लस PB। ओके, क्या हो जाएगा AP प्लस PB, इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस x, दैट मींस 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, अतः जीवा AB बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा, ये फाइनल आंसर। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे जो समझना था वो मैं बताऊं, पहली चीज क्या होती है, जब सवाल हमारे सामने आता है तो हमारे सामने ये वर्ड आ जाता है संकेंद्री। व्हाट डू यू मीन बाय संकेंद्री, दैट मींस अ कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसे सर्कल्स, ऐसे दो सर्कल्स या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं जिनके सेंटर सेम हो, उनको कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे 10 सर्किल खींच दूं इसी को सेंटर मान के, तो वो 10 सर्किल कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक होंगे। ओके, यहाँ पे 2 सर्किल्स दिया गया है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज है, थ्योरम नंबर 1 का यूज है, दैट मीन्स की सेंटर से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी कि 2-3 कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये सवाल निकालने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं और क्लियरिटी आएगी। ओके, सेम पैटर्न पे। ओके, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की जीवा, यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को की स्पर्श रेखा हो, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, ओके, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो, ओके, क्वेश्चन का प्रोटोटाइप सेम होगा सदैव, सिर्फ डेटा में चेंजेस होगा। ओके, तो उस जीवा की लंबाई बताइए, तो उस जीवा की लंबाई बताइए। ओके, सिर्फ डेटा से छेड़छाड़ हो सकता है, प्रोटोटाइप ऑफ द क्वेश्चन विल ऑलवेज सेम। ओके, तो उसको क्या करना रहेगा मुझे, मैं तुरंत क्या करूंगा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना लूंगा। ठीक है, दो जो है सर्कल्स को यूज करके कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना लेंगे। ओके,
ठीक है। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि जो सिचुएशन है पुराने जैसा ही है, तो मैं एक क्या कर रहा हूँ, स्पर्श रेखा बना ले रहा हूँ। ठीक है, इसकी एक स्पर्श रेखा है, दैट मीन्स ए बी हमने मान लिया। छोटे वाले का क्या है 9 सेंटीमीटर और बड़े वाले का क्या है 12 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट ये 9 सेंटीमीटर बना लेंगे और ये कितना बना लेंगे 15। ओके 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पुराना केस ये है सर, जैसे था वैसे बना लिए। बड़े वाले वृत्त की जीवा छोटे पर क्या है, स्पर्श रेखा है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, तो जीवा की लंबाई मुझे बताना है। तो क्या करना है, अगर मैं इस पॉइंट को P मान लूँ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मोटो क्या है, AP को निकालना। तो AP कैसे निकलेगा, AP इक्वल टू अंडर रूट 15 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, किससे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 225, और ये कितना हो जाएगा 81। ठीक है, तो 5 में से 1 गए 4। ओके, और ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ से मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, 81, ये कितना हो जाएगा 4, 11, अब यहाँ पे से कितना बचा, 12 में से 8 गए 4। ओके 144, तो 144 आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 बार हमें 144। ओके ये आ जाएगा। ओके आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो ये लेंथ अगर मैं बात करूँ AP, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ कि AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, बट AP इक्वल टू PB, क्यों, बाई थ्योरम नंबर वन। बाई थ्योरम नंबर वन कौन सा थ्योरम, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, सो दैट AB इक्वल टू 2 ऑफ AP और इक्वल टू 2 ऑफ PB। ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि AB इक्वल टू AP प्लस PB, या इक्वल टू लिख सकता हूँ 2 ऑफ AP, या लिख सकता हूँ 2 ऑफ PB। ओके, समझने का प्रयास करते हैं कि ये कितना आ गया, 12 प्लस 12, इसको ऐसे मैं लिखूँ, या 2 टाइम्स AP 12 ऐसे लिखूँ, या 2 टाइम्स PB 12 ऐसे लिखूँ, सभी का आंसर क्या आ जाएगा, लिखने का सिर्फ तरीका अलग अलग है। 12 दोनों 24 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, यानी कि जीवा की लंबाई AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, यही हमारी क्या थी, मांग थी, यही हमारी क्या थी, मांग थी। ये हो जाएगा आंसर। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, 24 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान होता है, आपको बस थ्योरम याद हो, जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो इतना समय नहीं लगेगा, ये तो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, समय लगता है, अदरवाइज आप देखते ही क्या करेंगे, इसका इतना स्क्वायर होगा, यहाँ से पाइथागोरस लगेगा, ये बाइसेक्ट करेगा, यहाँ से ऐसे कर लेंगे। ओके अब क्लियर होगा, इसके नेक्स्ट पार्ट को करने का प्रयास करते हैं, जो कि एक प्रोटोटाइप होगा, क्वेश्चन का प्रोटोटाइप। अच्छा, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, कि जब भी सवाल आएगा ऐसा ही आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रोटोटाइप। ठीक है, अब देखिए अगला प्रोटोटाइप की अगर मैं बात करूँ इसी सेंस में, तो अगला ये है कि जब जब वृत्त की दो जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हों, ये दिस इज द प्रोटोटाइप। क्या है, जब वृत्त की दो जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, केंद्र के एक ही ओर हों। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप है, इस पे जो भी सवाल आएगा ऐसा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरीके से कह रहा है, जब वृत्त की दो जीवाएं केंद्र की एक ही तरफ हो। अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे सवाल का जो प्रोटोटाइप होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, जैसे हमने क्या बना लिया, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना लिया। ठीक है, एक सर्किल ये हो गया, दूसरा ये। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है कि दो जीवाएं हैं, अगर मैं जीवा की बात करूं तो ये है
सेंटर, सेंटर के एक ही तरफ हो। सेंटर के एक ही तरफ होने का मतलब क्या होता है? सेंटर के एक ही तरफ होने का मतलब क्या होता है? जब वृत्त की दो जीवाएं सेंटर के एक ही तरफ हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है इसका ओ, एक जीवा यहां पे है ए बी, ठीक है, और दूसरी जीवा हमने मान लिया सी डी, ठीक है। ये है हमारे क्वेश्चन का प्रोटोटाइप। जब वृत्त की दो जीवाएं केंद्र की एक ही तरफ हो, ये सर्किल है, सर्किल के तरह एक ही तरफ जो है दो जीवाएं हैं। इसके पहले भी मैंने लेक्चर नंबर 12 लिया था, उसमें जो था अलग अलग था कि सेंटर के एक दूसरे तरफ था, एक दूसरे तरफ था, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। यहाँ पे भी सिचुएशन कुछ वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज कम्पेयर टू अलग अलग जब होता है, ठीक है, एक ही तरफ में। बट बिल्कुल आसान है, जो अभी आज हम लोग पढ़े हैं उसी पे करेंगे, हो जाएगा। ओके ठीक है, क्वेश्चंस लिखते हैं, करते हैं, समझ में आएगा। ओके, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की क्रमशः, एक वृत्त की क्रमशः 12 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर लंबी लंबी दो समांतर जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हैं, केंद्र के एक ही ओर हैं। ओके, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज द प्रोटोटाइप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्किल है, ठीक है, और उनके दो कॉर्ड्स हैं, यानी जीवाएं हैं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबी। ओके, केंद्र के एक ही ओर हैं, तो जीवाओं के बीच की दूरी बताना है। तो सिचुएशंस को पहले हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। 70% आपका प्रॉब्लम होता है सिचुएशंस को ड्रा करना, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, सिचुएशंस को ड्रा कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम यही होता है, जब सिचुएशन आप ड्रा कर लेंगे तो क्वेश्चंस में कुछ रह नहीं जाता है। ओके ठीक है, अब देखिए, दो ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, हमारे पास दो जीवाएं हैं जो एक ही तरफ है, तो मैंने मान लिया एक जीवा ये, ठीक है, और दूसरा हमने मान लिया कि हमारे पास एक जीवा ये है। ओके, ये ओके, तो हमने इसको मान लिया ए बी। ओके, अगर मैं लिखूं तो इसको हमने मान लिया ए बी, और इसको मैंने क्या मान लिया, सी डी। ओके, दो जीवाएं हैं हमारे पास, ये दो जीवाएं ए बी और सी डी, हमारे पास दो जीवाएं हैं, ठीक है। अब बोल रहा है, अच्छा इसमें एक कंफ्यूजन और होता है, आप समझिएगा कि जैसे इसमें दो जीवा दिया है, एक 12 सेंटीमीटर का जो लॉजिक है, और एक कितना है 16 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे मुद्दा ये बनता है कि सर कौन सा मैं ए बी लूँ, कौन सा सी डी लूँ। आप समझिएगा, एक पॉइंट होता है, एक नोट करके पॉइंट होगा, ठीक है, उसको मैं अभी करा दे रहा हूँ। व्यास व्यास किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। आइए इस पॉइंट को समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा अपने आप। जैसे एक सर्किल है, एक सर्किल है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉर्ड्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा, एक सर्किल है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉर्ड्स को ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सेंटर है, ठीक है, पहला कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया ये, दूसरा कॉर्ड मैंने ये ड्रॉ किया, तीसरा कॉर्ड हमने ये ड्रॉ किया, चौथा कॉर्ड मैंने ये ड्रॉ किया, पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरीके से ढेर सारे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, जीवा ड्रॉ कर सकते हैं। और ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर है। अगर इसकी मैं बात करूं, ए बी यहाँ पे क्या है, व्यास होगा, ए बी क्या होगा, व्यास। जो भी कॉर्ड, जो भी जीवा सेंटर से होके जाती है, उस जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास। जो भी कॉर्ड यानी कि जीवा किसी वृत्त के केंद्र से होके जाए, वो जीवा व्यास कहलाती है। समझ में आ रहा है, जो भी जीवा सेंटर से होके जाए किसी वृत्त के,
वो जीवा उस वृत्त की व्यास होती है। तो देखिए अब ये कॉर्ड नंबर वन है, ओके, ये कॉर्ड नंबर वन है, ये कॉर्ड नंबर टू है, ये कॉर्ड नंबर थ्री है, ओके, ये कॉर्ड नंबर क्या है फोर, तो ये कॉर्ड नंबर क्या है फाइव, ये कॉर्ड नंबर क्या है सिक्स, ये कॉर्ड नंबर क्या है सेवन, यानी कि जीवा नंबर। कॉर्ड नंबर का मतलब क्या है जीवा नंबर। अब ध्यान दीजिए इसमें सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, सबसे बड़ी जीवा कौन है, सबसे बड़ी जीवा इसमें ए बी है, जो कि इस सर्किल की क्या है व्यास है। तो ये पॉइंट याद रखना है, व्यास किसी वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है जीवा होती है, ठीक है। डायमीटर यानी इसको क्या बोल सकते हैं, डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्किल, ओके, किसी भी सर्किल की जो व्यास होती है यानी डायमीटर होता है वो उस सर्किल की सबसे बड़ी क्या होती है कॉर्ड होती है। अच्छा अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, अब देखिए जब मैं कॉर्ड नंबर वन यानी जीवा वन से शुरू किया तो ये छोटा था, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे हम सेंटर यानी केंद्र की ओर जाते हैं, ऐसे ऐसे देखिए कॉर्ड की लंबाई क्या है बढ़ रही है। जैसे अगर जीवा वन देखा जाए तो जीवा टू से छोटा है, जीवा टू और वन को देखा जाए तो जीवा थ्री से छोटा है, जीवा थ्री को देखा जाए तो फोर से छोटा है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे हम किसी भी जीवा को खींचते हैं और केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे जीवा की लंबाई क्या होती है बढ़ती जाती है। दैट मीन्स अब यहाँ पे उसी लॉजिक को समझेंगे, एक जीवा है 12 सेंटीमीटर, एक 16 सेंटीमीटर, तो इस नियम के हिसाब से ए बी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि सेंटर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे उस जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर होगा। ये एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझ लेना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज क्या होगा आप सवाल निकाल लेंगे लेकिन गलत हो जाएगा और ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि किसको हम 16 माने और किसको 12 माने। ओके आई होप क्लियर होगा। आप देखिए अब हम क्या करेंगे, लॉजिक को समझने का प्रयास करेंगे। केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है। ओके उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ये इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। अगर मैं इसको मिला दूँ, इसको मिला दूं तो ये क्या है रेडियस है सर्किल की, क्या है रेडियस है, ये भी क्या होगा रेडियस होगा और ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। दैट मीन्स एओ इक्वल टू ओसी इक्वल टू वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की क्या है ये वृत्त की त्रिज्या जो कि हमें गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर। ओके जो कि हमें गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर, तो यहां पे इसको क्या मान लेंगे 10 सेंटीमीटर। ओके देखिए ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि एओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और ओसी भी कितना हो जाएगा 10। आप समझते हैं, ठीक है। देखिएगा जब भी केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाता है तो जीवा जीवा क्या करता है उसको समद्विभाजित करता है। अगर इसको मैं ई पॉइंट मान लूं, इसको एफ मान लूं, ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/2, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसको क्या करता है समद्विभाजित करता है, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। एंड अगर मैं इसकी बात करूं कि सी डी इक्वल टू, ये गिवन है सी डी इक्वल टू, ये भी गिवन है। ओके अगर मैं इसकी बात करूं सी डी इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन ओ एफ, ओ एफ परपेंडिकुलर टू क्या है सी डी, दैट मीन्स कि सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डी हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू एफ डी, या मैं ऐसे बात करूं सी एफ इक्वल टू एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी बाई टू, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 12/2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये इसको क्या करता है समद्विभाजित करता है, तो सी एफ इक्वल टू एफ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इतना लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मेरी इच्छा ये होती है कि कोई भी चीज एकदम बेसिक से सीखिए। ओके अदरवाइज इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है, आपने अभी तक जितना भी सीखा है उसके दम पे विद इन द 15 सेकेंड में इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके बट लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप जब लर्न करते होते हैं तो स्पीड स्लो होती है और जब प्रैक्टिस करते हैं तो स्पीड ज़्यादा होती है। ओके तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, अगर मैं दिखाने का प्रयास करूँ ए ओ ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा क्या है सी ओ एफ। ओके तो अब मैं एक एक ट्रायंगल को ले रहा हूँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल पहले मैं ले रहा हूँ ए ओ ई। ओके
ए ओ ई इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो यहां से ओ ए इक्वल टू, ओ ए इक्वल टू कर्ण इक्वल टू कितना है, रेडियस ऑफ द सर्कल दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, आगे मैं बात करूं ओई नहीं पता मुझे, ओई इक्वल टू लंब, ओई क्या हो जाएगा लंब, हमने ये मान लिया यक्स है, ठीक है नहीं पता है मुझे। ठीक है, और ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगा आधार, जो कि क्या होगा आधार होगा, और ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर से किसे बुलाएंगे, पाइथागोरस को। कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा तो वहां पे पाइथागोरस साहब को क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा बाई पाइथागोरस थियरम, बाई पाइथागोरस प्रमेय। अगर यहां से मैं देखूं तो लिख सकता हूं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके क्लियर है, तो कर्ण यहाँ पे हमारा कितना है 10 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर। दैट मीन्स कि x स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 8 64, कितना हो जाएगा 36। ओके कितना हो जाएगा 36, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 36। ओके तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट में 36, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं x की बात करूँ तो 6 सेंटीमीटर आ गया, जो कि लंब है और जो कि क्या है, जो कि हमारा OE है, जो कि हमारा क्या है OE। ठीक है, तो यहाँ से OE लिख दिया, क्लियर है। तो एक एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से क्लियर हो गया और लेंथ ऑफ OE हमें ऑप्टेन हो गया। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, सिर्फ कितना डिस्टेंस आया है OE आया है। ठीक है, कितना आया OE। अब इसी तरीके से इन राइट एंगल ट्रायंगल OCF किस में देखेंगे, OCF लिखेंगे इन ट्रायंगल OCF में, किस में OCF में अगर मैं बात करूं तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा एक बार देख लें, OC 10 सेंटीमीटर, OF जो है नहीं पता है, CF जो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं लिख ले रहा हूं कि OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC बराबर हमारा कर्ण हो जाएगा, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, और OF मुझे नहीं पता है, ये हमारा हो जाएगा लंब, हमने इसको Y मान लिया। ठीक है, और CF इक्वल टू हो जाएगा आधार, जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर। ओके फिर से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय यहाँ पे यूज करेंगे, लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम फिर से देखें इसको, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ओके कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। सवाल अगर बड़ा लग रहा तो ये बिल्कुल गलत है, सिर्फ समझाने के प्रयास में ये बड़ा हो जा रहा है, अदरवाइज इस सवाल में कुछ भी नहीं है। ओके तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 6 6 36, दैट मीन 64। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 64, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट में 64, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। वाई यहाँ पे आ गए 8 सेंटीमीटर। आप समझने वाली बात अब आएगी, ओके समझने वाली बात अब आएगी। अब देखिएगा, अगर यहाँ से हमको चाहिए क्या, हमको EF चाहिए। अगर मेरी मांग को देखा जाए तो मेरी मांग यहाँ पे सिर्फ ये है कि मुझे EF बता दीजिए, रिक्वायर, अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो मुझे EF चाहिए, क्योंकि हमारे सवाल में है जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। क्या बताना है, जीवाओं के बीच की दूरी बताइए, और जीवाओं के बीच की दूरी अगर मैं बात करूं तो सिर्फ EF है। तो EF निकालने के लिए तो मैं यहां से लिखूंगा जीवाओं के बीच की दूरी, अतः जीवाओं के बीच की दूरी, जीवाओं के बीच की दूरी इक्वल टू EF। EF कैसे निकलेगा, अब यहीं पे देखना है, फिगर को देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा EF कैसे निकलेगा। देखिएगा EF कैसे निकलेगा, अगर मैं FO से या OF से OE निकाल दूं तो EF बचेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा FO माइनस OE, अगर इसको निकाल देंगे तो बचेगा, और FA इक्वल टू क्या है, यहाँ से
यही तो है ओ एफ। ओ एफ इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना, वाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि यहाँ से 8 माइनस ओई कितना आया है, ओई यहाँ पे आया है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर यानी कि कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ई एफ इक्वल टू यहाँ पे फाइनली कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, जो कि यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? यानी कि त्रिज्याओं के बीच, सॉरी उनके कॉर्ड्स के बीच की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल। ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, इसका एक प्रोटोटाइप और बचा हुआ है जो कि कल मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।